जिसकी वजह से आतंकी घायल हो गया और जमीन पर जा गिरा। जैसे ही आतंकी जमीन पर गिरा वैसे ही उसके हाथ से हथियार छूट गया, लेकिन उसने रेंगते हुए बंदूक उठाने की कोशिश की, लेकिन सामने से आ रही गोलियों की बौछार से वो ढेर हो गया। इससे पहले भी शुक्रवार की देर रात उत्तर कश्मीर जिले के पट्टन इलाके के चक टप्पर के अंदर घेराबंदी और तलाशी अभियान को शुरू किया गया था। इससे पहले बीते शुक्रवार किश्तवाड़ा के अंदर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें सेना के दो जवानों की शहादत हुई। भारतीय सेना लगातार आतंकियों पर कहर बनकर टूट पड़ी है। इसकी सबसे बड़ी वजह जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा चुनाव भी बताया जा रहा है। दरअसल विधानसभा चुनाव होने से पहले पाकिस्तान की नापाक साजिशों को नाकाम करने की हर एक कोशिश भारतीय सेना कर रही है। ब्रिगेडियर कन्नौत ने बताया है कि अभियान के अंदर 3 कट्टर आतंकियों को मार गिराया और बड़ी मात्रा के अंदर युद्धक की सामग्री को बरामद किया। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। अधिकारी ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आगामी दिनों में महत्वपूर्ण कार्यक्रम के मद्देनजर कश्मीर घाटी में पाकिस्तान की नापाक साजिश को विफल करने की हर एक कोशिश की जा रही है और हर एक अभियान काफी महत्वपूर्ण बना हुआ है। सुरक्षा बलों के लिए एक उल्लेखनीय कामयाबी है। दरअसल जम्मू कश्मीर के अंदर एक लंबे समय के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में कोई भी रुकावट ना आए, उसको लेकर ये अभियान चलाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।